अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं जा रही हूँ मैं आज जा रही हूँ मानपुर। देखते हैं हमारा मेकओवर कैसा रहता है। हिजाबी लुक है दीदी ने कुछ तो चेहरे पे लगाया और ये मेरे फेस पे जो फैन पे मेरा दिल आ गया था। मैं खुशी खुशी हंस रही थी इसके लिए। देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है। मेरे यहाँ पे आंखों से पानी आने लगा। वो जो इन्होंने लगाया था वो मेरी आँख में चला गया था। तो ये लगा रही थी जो भी लगा रही थी, बट बहुत अच्छा था। बट बाद में फेस जलने लगा। तो आगे आगे देखते जाओ। मसाज बहुत अच्छी अच्छी मिल जा रही है। मेरी आईब्रोज को बना रही है, एकदम खूबसूरत सी आईब्रो करेंगी। बस आज ही मैं इतनी खूबसूरत दिखूँगी जो इसकी वह हाजिर हुई। मैं बातें भंकस करती भी बढ़ते हैं आगे। फिर ये मुझे स्किन केयर के लिए बता रही थी कि ऐसा ऐसा स्किन केयर करो, ये करो, वो करो। सो ये मेरा आई मेकअप फिर। सो देख सकते हो इतना सारा मैंने सब लगवा लिया। एकदम सफ़ेद परी बन गई थी एक्चुअली मैं। सो ये अभी उसको एकदम प्यार तरीके से ब्लेंड कर रही थी। फिर बाद में उसके ऊपर लगाया पाउडर एंड एकदम अच्छे से ब्लेंड एंड जो पार एक्स्ट्रा थे उनको हटा दिया उन्होंने। ताकि अभी मैं वेट कर रही आई शेडो प्लेट भी थमा दी मेरे हाथ में। देख सकते हो कितना काम करा था मुझसे सब। तो ये मेरे आई लिड पे एकदम अच्छे से मेकअप करा जा रहा है, आई शेडो लगाया जा रहा है। मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा था ना कि लिटरल क्या बोलूँ, बट भूख को छोड़ के लगी थी। तो ये अभी कुछ तो उन्होंने लाया था बट फिर लेके चली गई थी, फिर वापस लेकर आया। फिर ये मेरा आई लुक पूरा हो गया था कम्प्लीट, क्योंकि हम लोग ने बीच में वीडियो बंद कर दी थी। और ये मेरा जो इनका स्टैंड था वो बार बार उसको ऊपर करने के बाद नीचे ढुल के जा रहा था। तो जैसे देख सकते हो आई लुक तो बहुत प्रीटी हुआ था, बहुत प्रीटी। सो ये लगा रही है ब्लैक कलर का शेड, वो भी शेड नहीं लगा रही एक्चुअली, वो आईलाइनर लगा रही है। तो वो जो मेकओवर थी ना यार, मैं उनका सब कुछ मैं ना बायो में डाल दूँ, अपना इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन लिंक ज़रूर चेक करना। मैं इनका इंस्टाग्राम आईडी और इनका मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डाल दूँगी। तो ये देख ही सकते हैं मैं कितनी बार उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो रुकता ही नहीं। दो दो मिनट पे गिरते जा रहा है। फिर उन्होंने कुछ तो फेस पे लगाया जो बहुत अच्छा था, इससे ही ऑलरेडी ग्लो होने लगा था फेस। अभी ये लिप्स पे इन्होंने कुछ ला के लगाया था, बट यार इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने थोड़ा सा खा ली। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, मेरे को ब्लैक हेड्स नहीं है, पर इन्होंने पूरा मुझे ऑरेंज कैरेक्टर से नहला दिया, जिसमें मैं पूरी ऑरेंज दिख रही हूँ। सो उसको भी अच्छे से ब्लाइंड कर दिया। फिर बाद में लगाया कुछ तो कंसीलर लगाने के बाद में एकदम अच्छे से उसको भी ब्लाइंड कर दिया, ब्लाइंड। और मैं यहाँ पे सोच रही थी यार कब ख़त्म होगा, मैं थक गई हूँ, वीडियो शूट वूट कब होगा। सो यहाँ पे लगाया उन्होंने फाउंडेशन, आया हमारे फर्स्ट बेस पे अभी तक कितना बेस हो चुका है। तो ये लगाती जा रही ब्लाइंड वो भी ब्लाइंड हो गया। अभी मेरी आँखों के नीचे, गालों के नीचे, गर्दन के नीचे लाइट की मेरा हिजाबी लुक है। सो देख ही सकते हो गाइस, वैसे अगर आप लोग कोलैबोरेशन के लिए अगर मुझे बुलाना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। आपके जो ब्राइड्स को मेकओवर किया है उनके भी फोटोज़ मुझे सेंड कीजिए। मेरी आईलाइट लगा रही है या मेरे ब्लैक हेड्स वगैरह सब छुपा रही, जबकि है नहीं, उसे लगाना ज़रूरी। नहीं लगाएंगे तो देखेंगे कैसे हम क्यूट। तो देखो ये टाइम पे कैमरा एक्चुअली इसके लिए टेढ़ा किया था, क्योंकि हम लोग ने एक करीना कपूर वाली वीडियो शूट कर रहे थे। तो ये भी मेरे ब्लैक हेड्स को छुपा रही हैं। फिर बाद में इनकी लिपस्टिक से शेड्स देख सकते हो हाथ पे कितने सारे दिख रहे। फिर से ये मुझे फ़ैन दे दिया इन्होंने, मतलब दिया नहीं अभी तक एक बार भी। और मैं यहाँ पे सालंगी करती बैठी थी, थक गई थी मैं एकदम। ये देख सकते हो फिर से फ़ोन नीचे ढूंढ के जा रहा है ढूंढ लग गया। अभी तो खाली मेरा आधा मुंह दिख रहा है, मेरा ध्यान गया। फिर मैंने उसको नॉर्मल किया, फिर मैं आगे आई। फिर बाद में उन्होंने जो बाबा क्या कट क्रीज देती हैं,
बड़ा मज़ा आया मुझे ये मेकओवर में एंड इस शूट में। देख सकते हो मेरे को इतने क्यूट क्यूट से ब्लशर लगाए, ब्लशर आई लव यू, मुझे ब्लशर बहुत पसंद है गाइस। देखिए सकते आईलैशेस और आईज मेरी इतनी क्यूट लग रही थी ना, लिटरली हो जाता तो मेरा दिल आ गया था मेरी खुद की आई लिप पे। और ये देख सकते हो कट क्रीज मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे यही लगा पूरे मेकअप में, मैंने कट दिया ना बहुत क्यूट लगा ये कट। और मैं वाव करते ही बैठी थी, वाव नहीं था एक्चुअली वो मेरा, मैं वो आ रही थी मेरे को समझ आ रही थी, नींद आ रही थी, थक गई थी कुछ में एकदम बैठे बैठे। तो ये ब्लशर देख सकते हो, ये प्लस उसके ऊपर हाइलाइटर, पूरी हाइलाइटिंग हो गई, मैं एकदम चमक रही थी गोरी गोरी। इसी के साथ फिर हम एक वीडियो शूट करने लगे, मतलब वो वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके शूट करना था, क्योंकि एक साथ पूरा शूट नहीं हो सकता था। तो ये मैं बिस्तर कर को वीडियो भेजी थी, ये लगाया उन्होंने मेरे आँख में वाइट काजल, नीचे लिया करेंगे थोड़ा सा मेकअप। तो देखो देखो अच्छे से देखो कैसी लग रही, मैं नहीं सब बताना, अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं किया तो भी कर देना। ये आई मेरी क्यूट सी लिपस्टिक, यार लिपस्टिक का शेड तो खाना मेरे को बहुत पसंद है, वैसे मेरा मेकअप और मेरी बहुत पसंद है, तो लिपस्टिक का शेड था वो भी बहुत अच्छा था। इन्होंने एक लिपस्टिक में तीन तीन लिपस्टिक लगाए, और फिर एक और इसके बाद में लगा थे, बट वो हम लोग ने वीडियो में लिया नहीं। Hold me close till I get up. Time is.
पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे रुके पेट्रोल भराने और अल्लाह मियाँ बरस रहे। किस बिन मौसम की बरसात आ रही है अल्लाह मियाँ को तो मेरे समझ नहीं आ रहा। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना और आपके घर में सबको शेयर भी करना। Thanks for watching. Mela, please, guys.